इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये आरबीक्रेज की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेट अस स्टार्ट विद नंबर वन प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम वन सो वी आर गिवन दैट कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन पॉसिबल ऑन रुपए की 10 लैक्स फ्रॉम लीगल रेट्स गिवन बिलो। अज्यूम देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। को आपको एक्सचेंज रेट दे रखे हैं लंदन मार्केट, दिल्ली मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट। तो इट मीन्स आपको डिटर्मिन करना है आर्बिट्रेज तो गेन ऑन रुपीज 10 लैक्स। को आपके पास जो रेट्स हैं आपको लंगल मार्केट का रेट दिया है, सो इट इज अवर GBP है रुपीज 76.20 पर GBP विच इज कॉल्ड पाउंड। सेकंड आपको दिया है डेली मार्केट में, तो ये सब एक्सचेंज रेट इज रुपीज पर डॉलर। ये आपका रुपीज पर डॉलर है 46.60 पर डॉलर। सो गेन वी आर गिवन इन न्यूयॉर्क मार्केट, सो दिस इज एक्सचेंज रेट रुपीज 1.582 दिस इज पर पाउंड, नॉट रुपी बट डॉलर पर पाउंड। तो आपके पास देखो रुपीज है, तो जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडियन मार्केट है दिल्ली की, तो हम चेक करते हैं वट इज अवर दिल्ली मार्केट। उसमें रेट आपको दिया है रुपीज 46.60 पर डॉलर। फिर अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क मार्केट, दिस इज अवर इंटरनेशनल मार्केट। उसमें देखिए आपके पास जो रेट्स हैं, पहला रेट है लंदन मार्केट में रुपीज 76.20 जिसे पर पाउंड, और न्यूयॉर्क मार्केट में आपका रेट है डॉलर 1.5820 पर पाउंड। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस रेट। तो उसमें तीन करेंसी इन्वॉल्व है, रुपी और डॉलर का रेट है डेली में, यानी कि रुपी डॉलर एंड पाउंड, उसका नाम है क्रॉस आर्बिट्रेज। तो पहले क्रॉस रेट निकाल सकते हैं, पाउंड देखो बेस करेंसी सेम है, को डिवाइड करना है आपने रुपीज 76.20 डिवाइडेड बाई 1.5820, तो दिस विल बी अवर रुपीज पर डॉलर का रेट आ जाएगा। देखिए 76.2 डिवाइडेड बाई 1.582, तो दिस 48.1669। अब आप क्या कीजिए, अब ये बेस करेंसी कौन सी है आपकी, डॉलर चल रही है इसमें, डॉलर का रेट है 48.17 अप्रोक्सीमेटली 46.60। तो यहाँ आपको चीप मिल रहा है तो आपको बाय करना चाहिए, तो हम लिखेंगे आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। तो आपकी आर्बिट्रेज इसमें पॉसिबल हो रही है बाय बाइंग, और वो कैसे होगी जब आप बाय करेंगे, सो डॉलर इन डेली मार्केट और उसको आप सेल करेंगे डॉलर का जो रेट आपको जैसे दिया है आपको न्यूयॉर्क मार्केट में, एंड सेलिंग ये आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट सेलिंग डॉलर इन न्यूयॉर्क। तो लेगेसी वट विल बी अवर गेन कितना होगा। अब आपके पास देखो रुपये के 10 लैक्स हैं, तो रुपये के 10 लैक्स को आप सेल करके गोलर बाई कीजिए, तो आपने बाई करने हैं गोलर गेली में। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेगेसी सो बाई गोलर इन गेली मार्केट। अब देखिए कितने गोलर मिलेंगे आपको, रुपीज 10 लैक्स डिवाइडेड बाई गेली में रहेगा 46.60, तो ये आपके गोलर्स आ जाएंगे। सो यू गेट डिवाइडेड बाई 46.6 गोलर्स आ रहे हैं आपके पास, दिस इज 214.59.23। अब इसको आप सेल कर दीजिए सेल डॉलर,
इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट, तो वहाँ से आप अब जो डॉलर हैं उनको आप सेल करेंगे, रुपीज आपको रिसीव हो जाएंगे, तो यू विल गेट टू रुपीज। अब क्या रेट है आपका वहाँ पर? 48.169, तो इट मीन्स डॉलर आपके सेल होंगे 21,459.23 इंटू 48.1669, तो ये रुपीज आपको रिसीव हो जाएंगे, तो इनको 48.1669, तो किसी कमिंग को भी 10,33,624। तो देखो आपने स्टार्ट किया था 10 लाख रुपीज़ है, पर आपको रिसीव हो रहे हैं 10,33,624, तो जिस अमाउंट की मोर देन दिस, तो डिफरेंस जो है आपका वो आर्बिट्रेज गेन आ जाएगा। इट मीन्स नाउ वी कैन राइट बुकिंग आर्बिट्रेज प्रॉफिट। इसकी जो नॉर्मल है रिसीट्स है, ये एक तरीके से रिसीट्स हैं आपकी, माइनस ये आपकी पेमेंट थी, रिसीट्स हैं आपकी 10,33,624, पेमेंट की आपकी 10 लाख रुपीज, तो आपको गेन हो रहा है रुपीज में 33,624। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इसमें देखो आपको मेंशन किया है एनुअल इंटरेस्ट रेट ये जो 5% इन यूनाइटेड स्टेट्स है एंड 8% इन यूके, आपको इंटरेस्ट रेट दिया है पर एनम, तो इंटरेस्ट रेट पर एनम जिसे गिवन इन यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम यूके, यूएसए में है आपका 5% और यूके में है आपका 8%, तो जिसे जो पर एनम होते हैं एनुअल एनुअल इंटरेस्ट रेट है पर एनम। सपोर्ट एक्सचेंज रेट, फिर आपको स्पॉट रेट दिया है, तो जिसे कि डॉलर 1.50 पर पाउंड एंड 1 ईयर मेच्योरिटी रेट, फिर आपको फॉरवर्ड रेट दिया है आफ्टर 1 ईयर, तो जिसे कि डॉलर 1.48 पर पाउंड। सो इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आर्बिट्रेजर कैन बोरो डॉलर 1 मिलियन एट करंट स्पॉट रेट, तो आर्बिट्रेजर जो है कैन बोरो जिसे डॉलर 1 मिलियन, तो आप बोरो कर सकते हैं डॉलर 10 लाख, सो एट स्पॉट रेट व्हाट वुड बी द आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस, इट मीन्स अब आप बोरो कर रहे हैं तो आप लीजिए व्हाट विल बी आउटफ्लो, देखो कितना होगा आपका, तो आपने बोरो किए हैं डॉलर जिसे ये 10 लैक्स, और आपका जो फॉरवर्ड रेट है जिसे फॉर 1 ईयर, तो आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, अब डॉलर का जो रेट है 5%, 1.05 फॉर 1 ईयर, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 10,50,000, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा। देन यू कैलकुलेट इनफ्लो, इट मीन्स अब आप जब डॉलर बोरो कर रहे हैं उसको आप यूके में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इट मीन्स इनफ्लो है, आप देखिए कितने पाउंड मिलेंगे, डॉलर 10 लाख आपने बोरो किए, अब आप इस डॉलर को सेल करके पाउंड बाई कीजिए इस रेट पर, तो डिवाइड कर दो 1.50 से, ये पाउंड्स आ गए, तो उसको इन्वेस्ट करो पाउंड में, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1.08, ये पाउंड्स बन गए आपके आफ्टर 1 ईयर, उनको सेल कर दो फॉरवर्ड रेट के ऊपर इनको जिसे जो 1.48, तो ये आपका इनफ्लो आ जाएगा डॉलर्स में, तो दिस इज ऑल्सो इन डॉलर, सो दिस विल बी 10 लाख इनको 1.08, सो डिवाइडेड बाई अगर इनको 1.48 डिवाइडेड बाई 1.5, सो दिस इज बिकमिंग डॉलर 10,65,600, आपका जो इनफ्लो है ये ग्रेटर है आउटफ्लो से, सो इट मीन डिफरेंस है आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट। प्रॉफिट की इनफ्लो 10,65,600 माइनस 10,50,000, तो आंसर आपका गोदरेज में आ जाएगा, तो दिस इज कमिंग 15,600 गोदरेज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगेन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3, तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है स्पॉट रेट इज गिवन जिस इज फॉर यूएस डॉलर, पर एक आपको 180 डेज का फॉरवर्ड रेट दिया है, स्पॉट रेट गिवन जिसे ये रुपीज पर डॉलर,
सो दिस रेटेड 48.0123। एक आपको दिया है फॉरवर्ड रेट 6 मंथ्स, मीन्स 180 डेज का है ये। तो दिस इज रुपीज पर डॉलर आल्सो 48.1190। और एक आपको फिर एनुअल इंटरेस्ट रेट दिए हैं 6 मंथ्स के लिए, सो इंटरेस्ट रेट ही गिवन, इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स, ये है आपका पर एनम एनुअल रेट। तो जिसे गिवन फॉर रुपी का भी आपको दिया है 12%, और एक आपको डॉलर का भी मेंशन किया है जिसे जो 8%। सो दे आर आस्किंग, सो इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। तो इसमें देखो जो फॉरवर्ड रेट आता है और इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो इसका नाम था हमारा कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। अब अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी रिकवर करना है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो इसमें जो रिकॉल करके हैं, इसमें हमें कैसे चेक करके हैं कि किस करेंसी में बोरो करना है या इन्वेस्ट करना है। एक मेथड को है कि हम दोनों केस बनाते हैं, एक बार आप डॉलर को बोरो कीजिए रुपी में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर सेकंड रुपी बोरो कीजिए डॉलर में इन्वेस्ट कीजिए। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। या फिर एक पहले चेक करने का ये स्टेप होता है, आपने कैलकुलेट करना है एक्चुअल, गेट टू एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम। आप फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए ऑफ बेस करेंसी, जैसे इसमें डॉलर है तो बेस करेंसी का आपको कैलकुलेट करना है। फिर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल देखिए, इफ इट इज मोर देन, अब जो इंटरेस्ट रेट है जैसे कोटी करेंसी का हायर है, तभी हम कहते हैं कि बेस करेंसी आपकी प्रीमियम पर है क्योंकि रुपये इसमें डिस्काउंट पर है। तो इसमें एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम आपका ग्रेटर है, एक्सेस इंटरेस्ट, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट ऑफ कोटिंग करेंसी, ठीक है, ये आपका ग्रेटर आ रहा है। और जितना यहाँ पर एक्सेस आ रहा है आपका कोटिंग करेंसी का इंटरेस्ट, उससे भी ज़्यादा प्रीमियम है, फिर को आपकी ये स्ट्रेटजी बनती है, आपको बोरो करना है, बोरो इन कोटिंग करेंसी, और आपको इन्वेस्ट करना है बेस करेंसी में, इन्वेस्ट इन बेस करेंसी। और ये आपका रिवर्स है, सोच लीजिए आपका एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ बेस करेंसी, इसको लिख लेते हैं बी, एक ही लेस अगैन, ये लेस आ रहा है आपका एक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑफ अबर कोटिंग करेंसी। तो जैसे इसमें डिफरेंस है आपका 4%, पर जो फॉरवर्ड प्रीमियम है वो उससे भी कम आ रहा है, फिर आपकी रिवर्स हो जाएगी स्ट्रेटेजी। अब आपको बोरो करना है, सो बोरो इन बेस करेंसी में, और आपको इन्वेस्ट करना है कोटी करेंसी में, देन यू विल मेक प्रॉफिट। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम आपका ग्रेटर आ रहा है, पर ये जो आपका एक्सेस इंटरेस्ट यहाँ पे हम ले रहे थे जैसे, ये है कोटी करेंसी का, पर ये एक्सेस इंटरेस्ट आ रहा है आपका बेस करेंसी का, तो उससे ये लेस है, और इट इज लेस देन एक्सेस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी, राइट। कोटी का एक्सेस है तो ये ग्रेटर होना चाहिए, और ये बेस करेंसी का इंटरेस्ट आपका एक्सेस आ रहा है तो फिर ये लेस होना चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, अब एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम आपका ग्रेटर आ रहे हैं, बट जिसे एक्सेस इंटरेस्ट को बेस करेंसी, और जो एक्सेस इंटरेस्ट है आपका वो है बेस करेंसी का, मीन्स देखो यहाँ पर एक्सेस इंटरेस्ट हम ले रहे हैं रुपये का, तो एक्सेस इंटरेस्ट लिया जैसे 4% आ रहा है आपका, अब फॉरवर्ड प्रीमियम ग्रेटर है या लेस, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बन गई। पर ये कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है रुपी से, फिर आपको ये साइन रिवर्स करना है, एक्सेस इंटरेस्ट रेट है डॉलर का जैसे बेस करेंसी है, पर ये प्रीमियम आपका लेस आ रहा है, फिर भी ये स्ट्रैटेजी है, या फिर ग्रेटर आ रहा है, देन अगेन जिस स्ट्रैटेजी। तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखो आपका क्या है, एक्सेस इंटरेस्ट है आपका रुपी का, इट मीन्स वी हैव एक्सेस इंटरेस्ट दिस इज ऑफ अवर कोटिंग करेंसी रुपी,
एग्जैक्टली हाउ मच, 12 माइनस 8, जिस इज योर 4%। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वट इज योर एक्चुअल फोर बाज प्रीमियम ऑफ, ये हम कह रहे हैं बेस करेंसी, बेस करेंसी में डॉलर का। तो प्रीमियम का फार्मूला क्या है, फोर बाज रेट 48.8190 माइनस सपोर्ट रेट 48.0123 अपॉन 48.0123 इनको कर लीजिए 100, और ये रेट है 6 मंथ्स का है, इसको बनाएंगे पर एनम 12/6। तो आपको आंसर चाहिए पर एनम में, तो 48.8190 माइनस 48.0123 डिवाइडेड बाई 48.0123 इनको 200, जिसे जो 3.36%। अब देखो कौन सा केस बन रहा है, फोरवा प्रीमियम आपका लेस आ रहा है, एक्सेस इंटरेस्ट रेट है आपका कॉपी करेंसी का, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी, बोरो करना है अपने बेस करेंसी में और इन्वेस्ट करना है कॉपी करेंसी में। तो इट मीन्स तो आप लिखिए सेंस, तो सेंस फोरवा जो प्रीमियम ऑफ गोलर, जिसे जो 3.36% एक लेस गैन एक्सेस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ कोटी करेंसी आपकी रुपी, विच इज योर 4%। इट मीन्स प्रीमियम इज लेस गैन एक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑफ कोटी, तो आपको बोरो करना है बेस करेंसी, तो आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इट मीन्स अवर आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी जो बोरो आपको करने हैं डॉलर पर, आपको इन्वेस्ट करना है रुपी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, उन्होंने पूछा है हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन इफ ही इज विलिंग टू बोरो रुपीज 40 लाख। तो आप एक रुपी बोरो करके हैं, तो इट मीन्स रुपीज आपके हैं 40 लाख और उसकी वैल्यू भी है डॉलर में, और डॉलर डॉलर की वैल्यू है 83.312। मीन्स आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रुपी बोरो की गई या डॉलर, पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमें बोरो करना है डॉलर, तो हम लिखेंगे सो वी विल बोरो डॉलर लेगेसी वर्क विल बी आउट फ्लो। तो आपने बोरो किए हैं डॉलर 83.312, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, डॉलर का इंटरेस्ट रेट है आपका 8% और 6 महीने का आ जाएगा आपका 4%, तो दिस विल बी अवर आउटफ्लो इन डॉलर 83.312 इनको 1.04, तो दिस विल बिकम 86.644.5। अब आप देखिए आपका इनफ्लो कितना आएगा, आपने डॉलर बोरो कर लिए हैं, डॉलर 83.312 इसको कन्वर्ट करो रुपीज में, तो स्पॉट रेट है आपका 48.0123, तो ये रुपी बन गया आपकी, देखो जिसमन इसको इन्वेस्ट कर दो रुपीज में, रुपी पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12%, 6 महीने का बन जाएगा 6%, ये रुपी में आ गया इनफ्लो, इसको कन्वर्ट कर लो डॉलर में, इसको सेल कर दो फोरवा रेट पर, क्योंकि से डिवाइडेड बाय 48 पॉइंट, सो 8190। तो इस तरीके से इनफ्लो आपका वापस आ जाएगा डॉलर्स में, तो लेके से हाउ मच इज 83.312, सो इनटू 48.0123, सो इनटू 1.06 डिवाइडेड बाय 48.819, सो इनफ्लो इज कमिंग 86.851.5। देखो 86.644 है, ये 851 है, तो इनफ्लो आपका ग्रेटर आ रहा है, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा प्रॉफिट, लेकिन सी बाकी जो बार आरपी क्रिएज प्रॉफिट। गेटिंग इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये जो हमारी कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी, अभी 4 रिलेशन बनाए हैं, ये थोड़े आपको ध्यान से करने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे हमें इमीडिएटली डिसीजन पता लगा क्या स्ट्रैटेजी क्या है। तो लेकिन से इनफ्लो है आपका देखो डॉलर्स में आ रहा है प्रॉफिट 86.851
पॉइंट फाइव जीरो माइनस आउटफ्लो है आपका 86 644.50। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका डॉलर्स में, जैसे ये 70207 डॉलर किस प्रॉफिट हो ये मेक। और इसको देखिए आपको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं डॉलर्स में है, और तो आपका देखो रुपीज में आ जाएगा डॉलर है आपके 207। इसको सेल कर दीजिए जो आपका फॉरवर्ड रेट है 6 मंथ्स के बाद गेट गिवन को भी अवर 48.819। ये आपका गेन है, ये रुपीज में आ जाएगा, क्योंकि 207 × 48.819 किसी कमिंग को भी 10,106 ये आपका रुपीज में बन जाएगा। गोदे ही आंसर ठीक है, गोदर में भी आप दे सकते हैं रुपीज में। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है सपोर्ट रेट्स आपको दिए हैं इन 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट्स। तो फर्स्ट मार्केट है आपकी मुंबई मार्केट, तो यहाँ आपको रेट दिया है जिसे जो रुपीज पर गोलर, तो जिस रेट है 48.30। सेकेंड यू आर गिवन लंदन मार्केट, सो हेयर रेट इज गिवन रुपीज पर पाउंड 77.52। देन इट इज न्यूयॉर्क मार्केट, सो हेयर रेट इज गिवन किसी के पर डॉलर्स पर पाउंड देखिए 1.6231। सो आर्बिट्रेजर है कि US डॉलर 10 मिलियन, इट मीन्स आर्बिट्रेजर सो है जो डॉलर 10 मिलियन मीन्स 100 लाख। सो अज्यूमिंग देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सप्लेन वेदर देयर इज एनी आर्बिट्रेज गेन पॉसिबल फ्रॉम द कोटी स्पॉट एक्सचेंज रेट, आपको देखना है वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नो। तो एक जो आपकी मुंबई मार्केट है और एक आपकी है इंटरनेशनल मार्केट, इसमें रेट है आपका रुपी पर पाउंड डॉलर पर पाउंड, पर लोकल मार्केट में है रुपी पर डॉलर। तो यहाँ से क्रॉस रेट निकाल दो आप, बेस करेंसी सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रेट आ जाएगा वट इज रुपीज पर डॉलर, सो दिस इज 77.52 डिवाइडेड बाय 1.6231, सो दिस इज अवर रेट। फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं 77.52 डिवाइडेड बाय 1.6231, तो जिस रेट की कमी रुपीज पर डॉलर में है आपका जिसे 47.7605। तो जिस रेट की 48.347, तो इसमें यहाँ पर बाई कीजिए आप, इसका रेट है डॉलर का, और यहाँ आप सेल कीजिए डेली में, तो आप लिखिए स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, वी विल राइट आर्बिट्रेज इज पॉसिबल सो बाय बाइंग डॉलर, तो आपको बाय करना है डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट, एंड सो सेलिंग डॉलर, और आपको डॉलर को सेल करना है इन मुंबई मार्केट जो आपकी लोकल मार्केट है। तो लेके से अब आपके पास है डॉलर्स, तो पहले करते हैं इसको सेल, तो सेल डॉलर 100 लाख, कहाँ सेल करना है आपने मुंबई में, तो आपको मिलेंगे रुपीज गेट टू रुपीज, तो मुंबई का रेट है 48.3 × $100 लाख, ये पर डॉलर का रेट है आपका डॉलर वन, इट मीन्स आपके रुपये आ जाएंगे गिस इनको गिस रुपीज 4830 लैक्स, ये आपको रुपीज मिल गए हैं। अब आप रुपी को सेल करके गोलर बाई कीजिए इस रेट पर ही, यहाँ पर चीप है आपका, इट मीन्स नाउ वी राइट बाय गोलर, और ये रुपीज है इसको सेल कर रहे हैं हम, हाउ मच गोलर यू गेट, सो वी हैव रुपी 4830 लैक्स, और इस रेट पर आप बाय कर रहे हैं 47.7605। तो इस तरीके से आपको गोलर्स मिल जाएंगे,
जिसे 4830 डिवाइडेड बाई 47.7605। 101.12960 ये आपके डॉलर हैं। तो आपके पास कितने थे? 100 लाख डॉलर थे। तो किसी 101 लाख, सो 12 101 लाख हैं, 12,960। तो इतनी आपको कितना गेन हो रहा है, ये इन्फ्लो है समझो। और ये आपने इन्वेस्ट किया था इनिशियली 100 डॉलर, तो आपका गेन आ जाएगा जिस 101.12960 -100। ये आपका गेन आ गया डॉलर से, 1,12,960 डॉलर आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया है। ये लैक्स में चल रहे हैं फिगर, सुनील जा रहे हैं लैक्स। अब ये मैंने करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है स्पॉट रेट गिवन रुपीज और डॉलर का, और 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट आपको दिया है। यू कैन राइट टूडे 0 टाइम पीरियड, यहाँ आपका स्पॉट रेट है रुपीज पर डॉलर जिसे 65.80, और एक आपका फॉरवर्ड रेट है 4 3 मंथ्स जिसे रुपीज पर डॉलर 66.40। फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3 मंथ इंटरेस्ट रेट, तो 3 मंथ इंटरेस्ट रेट पर एनम किसी गिवन इन USA एंड रुपी मीन्स इंडिया। USA में है आपका 11% और इंडिया में है आपका 7%। सो अज्यूम नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टैक्सी अगेंस्ट वट ऑपरेशन वुड बी कैरीड आउट टू मेक द पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन। तो पहले आपको बताना है आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम कैलकुलेट करते हैं बाकी एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, सो ऑन बेस करेंसी, बेस करेंसी है आपकी डॉलर। तो फार्मा है एफ फॉरवर्ड रेट 66.40 माइनस स्पॉट रेट 65.80 अपॉन 65.80 इंटू 100, और ये रेट है 3 मंथ्स का, इसको बना लीजिए पर एनम इंटू 12/3। ये आपका फॉरवर्ड प्रीमियम आ जाएगा जिसे कमिंग 3.65%। अब देखो इंटरेस्ट रेट एक्सेस किसका आ रहा है, ये डॉलर का एक्सेस इंटरेस्ट है बेस करेंसी का। तो इट मीन्स अब आपका जो एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम है, फॉरवर्ड प्रीमियम इट इज लेस देन एक्सेस इंटरेस्ट रेट, एक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी, जो आपकी बेस करेंसी है, बेस है आपकी डॉलर, और ये फॉरवर्ड प्रीमियम भी है आपका ऑफ बेस करेंसी विच इज डॉलर। तो देखो ये है आपका 3.65%, इंटरेस्ट डिफरेंशियल है आपका 4%। देखिए आपका फॉरवर्ड प्रीमियम जो है लेस होता है, और एक्सेस इंटरेस्ट रेट होता है आपका टोटल करेंसी का, फिर हम बोरो करते हैं बेस करेंसी को, पर इस केस में एक्सेस इंटरेस्ट है बेस करेंसी का। अब आपको बोरो करनी है टोटल करेंसी, यू कैन राइट आर्बिट्रेज इज यू पॉसिबल। सो बाय बोरोइंग टोटल करेंसी, टोटल मीन्स रुपी, तो लेके से फर्गर क्वेश्चन में आपको मिलना है एज्यूम रुपी 100 मिलियन बोरोइंग्स, तो आपने 100 मिलियन रुपी बोरो करनी है। इतनी वक्त मिल भी अबर आउटफ्लो, ये आपका कह रहा है रुपीज 100 मिलियन, तो इसको लैक्स बना रखें, 1,000 लैक्स हो जाएंगे, ये आपने बोरो किए हैं। इसको पर आपको 3 महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी। तो इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% है, वह एग कीजिए 1+7% डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 3 मंथ्स का, तो किसी ओवर 1.75, तो किसी 0.04 0.07 डिवाइडेड बाई 4+1 इंटू 1,000, तो आउटफ्लो इज कमिंग 1,017.50। ये आपका रुपीज आ गया आपका लैक्स में।
नेवी कैलकुलेट इनफ्लो। अब देखो रुपी बोरो की है, उसको इन्वेस्ट कर दो डॉलर में सपोर्ट रेट पर। क्विक मीन इनफ्लो मीन्स रुपीज 1000 लैक्स हैं, स्पोक रेट है आपका 65.80, ये गोलर्स मिल जाएंगे। गोलर में कर दो इन्वेस्ट, गोलर में इंटरेस्ट आपको मिलेगा 11% 3 महीने का, विच मीन्स 1+0.11/4, ये गोलर बन जाएंगे आफ्टर 3 मंथ। उसको सेल कर दो इस रेट पे 66.240, तो ये आपका इनफ्लो आ जाएगा अगेन रुपीज में। तो लेके सी हाउ मच इट इज 0.11/4+1, यह है 1.0275 × 1000 / 65.8 × 66.4, सो दिस इनफ्लो इज 1036.869 और 8693, ये भी लैक्स में आपका। सो यू विल सी इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, तो आपको डिफरेंस जो है वो आपका गेन आ जाएगा आर्बिट्रेज। नाउ यू कैन कैलकुलेट राइट टू बैठे आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो दिस इज यू इनफ्लो 1036.8693, सो माइनस 1017.50, ये आपका लैक्स में बन रहे हैं 19.3693 लैक्स। किसी पर आरबी की रहेगी प्रॉफिट। नेक्स्ट में है प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें आपको मेंशन किया एक्सचेंज रेट आपको दिए हैं, स्पोर्ट रेट है 3 मंथ का, फॉरवर्ड रेट आपको दिया है, लेटेस्ट राइट है सपोर्ट रेट, और एक आपका है फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स। तो रेट्स आपको दे रखे हैं जिसे जो अवर कनेडियन डॉलर पर ब्यूश मार्क, जिसे कनेडियन डॉलर पर गेम, सो रेट 0.666। तो ऐसे फॉरवर्ड रेट है आपका कनेडियन डॉलर पर गेम 0.671। फिर आपको इंटरेस्ट रेट्स दे रखे हैं, सो इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन पर एनम, किसी आल्सो गिवन फॉर ए गैम ड्यूशमार्क एंड द कैनेडियन डॉलर। जो ड्यूशमार्क है ये जर्मन की करेंसी है, मतलब पूरे एक यूरो ड्यूशमार्क। सो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम, और कैनेडियन डॉलर का है आपका 9.5% पर एनम। तो आप सो गए रास्ते टू टेक पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन वर्क ऑपरेशन विल बी कैरीड आउट, तो मीन्स पहले आपको आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, देखो ड्यूश मार्क है आपकी बेस करेंसी, तो इसका रेट जो है राइज हो रहा है, सो बचेंगे एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है ऑन ड्यूश मार्क, जो आपकी बेस करेंसी है, ये आपकी है बेस करेंसी। तो फार्मूला है फॉरवर्ड रेट 0.671 माइनस सपोर्ट रेट अपॉन स्पोर्ट इंटू 100, और हम आंसर देखते हैं पर एनम में 12 बाय ये रेट है आपका 3 मंथ्स का, तो दिस विल बी अवर एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम 0.671 माइनस 0.666 / 0.666, सो इंटू 400, तो दिस इज कमिंग 3.003%। फिर आप देखिए अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है गैम और कनेडियन डॉलर, ये कोटी करेंसी है, कोटी का एक्सेस आ रहा है आपका, सो गैन वी हैव एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ बेस करेंसी है आपकी इसमें गैम, जिसे जो ग्रेटर गैन एक्सेस इंटरेस्ट ऑफ कनेडियन डॉलर, ये है आपकी कोटेड करेंसी, डेमिज बेस करेंसी। हाउ मच इज दिस प्रीमियम 3% अप्रोक्सीमेटली, एंड इंटरेस्ट डिफरेंशियल है आपका देखो 2%। जब आपका एक्चुअल फॉर्मर प्रीमियम ग्रेटर आ रहा है एक्सेस इंटरेस्ट से, यानी विच करेंसी वी शुड बोरो, तो आपको बोरो करनी है कोटेड करेंसी, बोरो कोटेड करेंसी।
इट मीन्स आपको बोरो करना है इसमें कनेडियन डॉलर, और आपको इन्वेस्ट करना है गैम यूश मार्क में, देन यू विल गेट सम प्रॉफिट। तो लेटेस्ट वेरीफाई करके हैं हाउ मच इज अवर प्रॉफिट। आपको बोरो करनी है जो पोर्टल करेंसी कनेडियन डॉलर, तो इट मीन्स लेट वी बोरो। इसमें आपको अमाउंट नहीं गया करेंसी का, तो हमें यूम करें लेट वी बोरो टू वन कनेडियन डॉलर, देन यू राइट वट विल बी आउटफ्लो। तो 1 कनेडियन डॉलर के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9.5% फॉरवर्ड एक है 3 मंथ्स का। तो 1+0.095/4, सो दिस विल बी अवर आउटफ्लो 0.095/4 प्लस 1, दिस इज 1.02375। अब आप देखें इनफ्लो, अब आपने 1 कनेडियन डॉलर जो है ये बोरो किया है, इसको गेम में कन्वर्ट कीजिए आप, ये गेम का रेट है, इट मीन्स उससे डिवाइड करेंगे तो यू हैव कनेडियन डॉलर, 1 कनेडियन डॉलर आपके पास है कनेडियन डॉलर, इसको सेल करेंगे हम गेम बाय करेंगे, गेम आपको मिलेगा इस रेट के ऊपर, राइट। अगेंस्ट जिसमें की गेम यू गैट टू 1 कनेडियन, या हम कह सकते हैं 0.666 कनेडियन डॉलर का 1 गैन मिलेगा, तो 1 कनेडियन डॉलर का डिवाइड कर दो 0.666 से, ये आपके गैम आ गए, उसको इन्वेस्ट कर दो आप गैम में, वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%, 1+0.075 फॉर 3 मंथ्स, तो राइट ये गैम बन गए। अब इस गैम को फर्गर सेल कर दो 4x रेट के ऊपर, तो into 0.671, सो दिस विल बी अवर कनेडियन डॉलर, ये आपका इनफ्लो आ जाएगा। तो 0.075/4+1 × 1 × 0.671/0.666, तो इनफ्लो देखो आपका आ रहा है कनेडियन डॉलर 1.0264, तो आपका देखो आउटफ्लो कितना है 0264/0237, दिस इज मोर देन दिस, तो आपका आ गया आर्बिट्रेज गेन। तो आप ये परसेंटेज में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो करेंसी के यूनिट्स मेंशन नहीं किए गए, तो हम पर यूनिट निकाल रहे हैं, आपका गेन आ रहा है 1.0264-1.02375 अपॉन 1.0, ये प्रॉफिट आ गया उसकी परसेंटेज आ गई 0.23, और आपने स्टार्ट किया था 1 से डिवाइडेड बाय 1 कनेडियन डॉलर इनटू 100, और आंसर गेन है पर एनम, ये है आपका 3 मंथ्स का डिवाइडेड इनटू 12/3, सो व्हाट इज गेन 1.0264-1.02375, सो डिवाइडेड बाय 1 × 400, एक में 1.06% आपको गेन हो रहा है पर एनम, ये आपकी स्ट्रैटेजी से आपको गेन हो रहा है आज भी छः से 1.06% ऑन कनेक्टिंग कर। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। सो इन दिस क्वेश्चन निकली गिवन जाए तो, सो इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, इफ यस हाउ अ ट्रेडर कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन इफ ही इज विलिंग टू बोरो US डॉलर 3 मिलियन। आपको मेंशन किया है ट्रेडर इज विलिंग टू बोरो, जैसे कि डॉलर 3 मिलियन मीन्स 30 लैक्स, तो 30 लैक्स बोरो करने हैं आपने डॉलर्स, तो पहले आप देखिए कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं, तो आपको स्पॉट रेट दिया है, तो स्पॉट रेट इज गिवन US डॉलर 1 इज इक्वल टू ₹72.50 एंड US प्रीमियम, और US डॉलर का प्रीमियम दिया है आपको, US डॉलर प्रीमियम जिसे जो ऑन सिक्स मंथ फॉरवर्ड ये जो 3%, ये आपको प्रीमियम दिया है, एनुअल इंटरेस्ट रेट भी आपको दिए हैं, इंटरेस्ट रेट्स पर एनम, तो जिसे गिवन
इन यूएस एंड इन इंडिया। यूएसए में इंटरेस्ट रेट है आपका 4% एंड 9%। तो पहले आपको देखो आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो बनाते हैं हम। तो अभी देखिए फॉरवर्ड प्रीमियम आपको दिया गया है 6 मंथ्स में, तो आप कैलकुलेट कीजिए बच गया एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, जिसे ऑन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर देखो आपकी है बेस करेंसी, विच इज बेस करेंसी पर एनम, तो पर एनम बना लो। ये 3% है 6 महीने का, इसको बना लेते हैं 12/6, दिस विल बी 6%। और इंटरेस्ट डिफरेंशियल देखो आपका है 5%, सो किसी ग्रेटर देन एक्सेस इंटरेस्ट रेट। ये है आपका ग्रेटर है एक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑफ फोकल करेंसी विच इज अवर 9-4 विच इज इक्वल टू 5%। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, जब आपका प्रीमियम ग्रेटर है तो आपको बोरो करना है अब जो फोकल करेंसी है, तो आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी जो बोरो इन रुपी और आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट इन डॉलर, ये आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। अब देखो अब आपको पर हमें गया है क्वेश्चन है ट्रेडर इज विलिंग टू बोरो डॉलर छड़की ले, पर हमने बोरो डॉलर नहीं करने हैं, पर बोरो करने हैं आपने रुपीज, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रुपीज में सपोर्ट के ऊपर, उतने रुपये हम बोरो करेंगे। वो इट मीन्स वी विल राइट हियर बोरो रुपीज हाउ मच, आपको 30 लाख डॉलर जैसे आपने बोरो किए हैं इसके बनाओ रुपीज स्पोर्ट रेट के ऊपर इंटू 72.25। ये आपके रुपीज आ जाएंगे जो आपको बोरो करने हैं, तो इसको लैक्स में कर रखे हैं 30 लैक्स हैं, 30 × 72.25, तो ये बन जाएंगे रुपीज 2175 लाख। अब ये बोरो कर लीजिए, तो अब आप देखिए इसकी कितनी आपको आउटफ्लो बनेगा, आउटफ्लो रुपीज में आपने बोरो किए हैं 2175। अब रुपये का देखो इंटरेस्ट रेट आपको दिया है क्वेश्चन में, तो रुपये इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, इसमें ऐड कर दो आप फॉरवर्ड रेट है आपका 6 मंथ्स का, तो 9% हो गया आपका 6 महीने का 4.5%, 0.045, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा इनको 1.045, तो दिस इज अवर 2272.875 लाख, ये आपके रुपये। तो अब देखते हैं आपको इनफ्लो कितना होगा, इनफ्लो होगा जो आपने रुपये जब बोरो किए थे जिस मच, तो उसको कन्वर्ट कर दो डॉलर में, उसके डॉलर यही बन जाएंगे 30 लाख, इट मीन्स आपके बदले देखो रुपीज 2175, जब आप इसको डिवाइड करोगे स्पॉट रेट से 72.50 से, ये बन गए आपके डॉलर 30, उसको इन्वेस्ट कर दो डॉलर में, डॉलर का इंटरेस्ट रेट है आपका 4%, तो 6 महीने का बनेगा 2%, 1.0 को। अब इसको सेल कर दो फॉरवर्ड रेट के ऊपर, तो फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा आपको पहले 6 मंथ्स का, स्पॉट रेट आपको दिया है 72.50, तो फॉरवर्ड है इसमें प्रीमियम दे रखे हैं आपको, तो फॉरवर्ड 11 भी आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड एक 72.50 और प्लस कर गो आपको फॉरवर्ड प्रीमियम 3%, ये आपका फॉरवर्ड एक आ जाएगा 72.5 प्लस 3% 74.675। इट मीन्स अब ये जो रुपीज के बनाए गोलर पहले उसको इन्वेस्ट किया, ये गोलर बन गए इनको इस रेट पे सेल कर दो 74.675, तो ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। तो वही जबर इनफ्लो जैसे 30 × 1.02 × 74.675, ये भी रुपीज में आ रहा है आपका, जैसे ये 2285.055। तो आप देखें इनफ्लो आपका है 85 और आउटफ्लो है 72, इनफ्लो ग्रेटर है, डिफरेंस आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया है, मेंशन कीजिए बताइए आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ये लैक्स में चल रहे हैं रुपीज 2285.055 माइनस
अब तो है आपका डबल टू 72.875। तो जिसमें नहीं है रुपीज लैक्स, तो 12,18,000 का आपको आर्बिक रहेगा, प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी में। तो ये हमने डिस्कस किए एग्जामिनेशन प्रॉब्लम आर्बिक टेस्ट की। तो नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इन फॉरेन करेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से करना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। थैंक यू।